नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। सुपर संडे के बाद अब बात है मंडे की, और पहला मुकाबला एक ही मुकाबला होगा क्योंकि सैटरडे संडे चला गया है। मुकाबला होगा आरसीबी वर्सेस दिल्ली के, आरसीबी वर्सेस पंजाब के बीच। अब देखिए, आरसीबी भी अपना पहला मैच हार चुकी है सीएसके के खिलाफ। आपको याद होगा पहला मुकाबला हुआ था जहां चेन्नई ने जीत दर्ज की थी, और पंजाब अपना पहला मैच जीत चुकी है दिल्ली के खिलाफ। मतलब दोनों टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं, ये बड़ी बात है। इससे पता चल चुका है दोनों टीमों को क्या क्या बदलाव करना है, कैसे कैसे आगे की रणनीति तय करनी है, क्योंकि एक एक मैच दोनों खेल चुकी हैं। अब बात अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की करें या फिर ताकत और कमजोरी की करें, कौन सी टीम ताकतवर है कौन सी टीम मजबूत है, अगर इस बात को कंपेयर करें तो बहुत बड़ा एक अंतर नजर आता है दोनों टीमों की। अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात देखिए, आरसीबी जो है, आरसीबी का जो पहला मुकाबला हुआ था जो चेन्नई के खिलाफ वो जीते थे, उस मुकाबले में नीचे अनुज रावत और दिनेश कार्तिक दोनों ने अच्छा फिनिश किया था। इससे एक पॉजिटिव साइन है कि फिनिशर के तौर पर इनके पास बल्लेबाज दिनेश कार्तिक पर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो काम कर रहे हैं। अनुज रावत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन रजत पाटीदार हैं, मैक्सवेल जिसके ऊपर सभी की उम्मीदें हैं, हर कोई मैक्सवेल को जानता है कि भाई साहब ये आएगा और रन बनाएगा, चौके छक्के बरसाएगा, मैक्सवेल पूरी तरीके से फेल हो गए। तो ये दोनों जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं इनको रन बनाने पड़ेंगे। फाफ डुप्लेसिस विराट कोहली को बड़ी पारियां खेलनी पड़ेंगी। ये सीधी सीधी सी बात है, अगर फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली बड़ी पारियां नहीं खेल पाएंगे तो आरसीबी के लिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। जोसफ भाई साहब ने इतने रन दे दिए। भाई साहब आपको बड़ी उम्मीद के साथ रखा गया है और आप 11-12 के हिसाब से रन दे देते हैं तो मामला बहुत महंगा साबित हो जाता है। तो गेंदबाजी में आरसीबी को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में करण शर्मा दो ओवर करवाए, दो ओवर में बहुत महंगे साबित हो गए, 12 के हिसाब से रन दिए, 24 रन लुटा दिए। तो यहाँ पर करण शर्मा को भी स्पिनर के तौर पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इनके पास ज्यादा स्पिनर है नहीं आरसीबी के पास। अगर आप एक इकलौते स्पिनर हो, अगर आप इस तरीके से रन लुटाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये करण शर्मा को सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर एक दो मैचों में लगातार ऐसा चलता रहा तो करण शर्मा का मामला जो है डामाडोल हो सकता है। तो ये चीजें आरसीबी को ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब बात अगर करूं मैं पंजाब की, देखिए हालांकि पंजाब ने दिल्ली को हराया है, जीत दर्ज करी है, लेकिन कुछ सवाल पंजाब के खेमे के ऊपर भी हैं। शिखर धवन ने रन जरूर बनाए हैं, बैरिस्टो पूरी तरीके से फेल रहे हैं, बैरिस्टो को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। लियाम लिविंगस्टन ने नीचे फिनिश किया है, सैम करन ने ऊपर बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाई है, लेकिन कई सारी सवाल उनकी गेंदबाजी पर हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब को भी अपनी गेंदबाजी थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी, वरना पंजाब के लिए मामला मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दिल्ली कैपिटल से मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है आरसीबी के पास। अगर पंजाब ने थोड़ा सा ज्यादा मतलब रन लुटा दिए तो आरसीबी की गेंदबाजी ऐसी है कि आपको जीतने नहीं देंगे। तो यहां पर पंजाब को थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन पंजाब को भी विराट कोहली को और फाफ को, आरसीबी की तरफ से फाफ को और विराट को लंबी पारियां खेलनी पड़ेंगी। तो शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो इन दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी में क्योंकि रन बन नहीं रहे। अगर आप ओपनिंग के तौर पर इतनी जल्दी आउट हो जाते हैं तो मामला गड़बड़ है, यह सीधी सीधी सी बात है। प्रभ सिमरन सिंह ने थोड़े से अच्छे शॉट जरूर लगाए लेकिन अपनी पारी को बड़े नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। प्रभ सिमरन सिंह आते ऐसा लग रहा था कि बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले हैं लेकिन अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाए, और ये सबसे बड़ी एक रहा कि हालांकि पंजाब ने जीत दर्ज करी, आखिर तक मैच गया था, लेकिन बल्लेबाजी के मध्यम क्रम में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा पंजाब किंग्स को। ज्यादा ऑप्शंस भी पंजाब के पास है नहीं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि देसी विदेशी खिलाड़ियों का भी कॉम्बिनेशन बनाकर रखना है, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब बात अगर मैं दोनों टीमों के बल्लेबाजी को कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से दोनों टीमों की बल्लेबाजी जो पहले मुकाबले में देखने को मिली लगभग बराबर है। आरसीबी के पास थोड़े से फिनिशर थोड़े से ज्यादा बेहतर मुझे नजर आया, दिनेश कार्तिक अच्छी फॉर्म में है, अनुज रावत ने बहुत करारे शॉट लगाए, हालांकि लिविंगस्टन ने पंजाब की तरफ से भी रन बनाए हैं, सैम करन ने बनाए हैं, लेकिन उतना भरोसा मुझे इन दोनों बल्लेबाजों पर है नहीं। दिनेश कार्तिक एक तजुर्बेकार खिलाड़ी, अनुज रावत एक अच्छे नौजवान खिलाड़ी हैं जो भारतीय पिचों पर अच्छा कर सकते हैं, तो इस लिहाज से शायद पंजाब की टीम और विराट, अगर मैं आरसीबी की तुलना करूं तो आरसीबी थोड़ा सा मुझे बल्लेबाजी में मुझे बेहतर नजर आ रही है क्योंकि उनके पास अच्छे सुलझे हुए बल्लेबाज हैं। मैक्सवेल का बल्ला जिस दिन चलेगा वो अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी आरसीबी का मुझे पड़ना भारी नजर आ रहा है। गेंदबाजी के तौर पर अगर मैं देखूं तो पहले मैच के प्रदर्शन के बाद दोनों टीमें थोड़ा सा मुझे बेहतर नजर आ रही है। गेंदबाजी के तौर पर दोनों टीमें मुझे थोड़ा सा इक्वल नजर आ रही है। मैच विनिंग परसेंटेज को
लेकर अगर मैं बात करूं तो शायद थोड़ा सा मुझे आरसीबी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है पंजाब के ऊपर। आरसीबी का पलड़ा थोड़ा सा मुझे पंजाब के ऊपर भारी नजर आ रहा है। आरसीबी शायद पंजाब के ऊपर आज भारी पड़ सकती है मंडे के दिन जो पहला जो एक मुकाबला होने वाला है। तो आपका क्या मानना है, कौन सी टीम आपके हिसाब से मजबूत है और कौन सा खिलाड़ी बेहतर रन बनाएगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।